अन अकेडमी प्लस माइनस जिसको लेने का मन हो सब आ सकते हैं. ओके, प्लस माइनस पे नहीं जाना, जिसको लेने का मन हो सब आ जाए. चलिए स्टार्ट किया जाए. आई पास डैश योर हाउस यस्टरडे. अरे कल ही की तो बात है, मैं तुम्हारे घर के बगल से होके गुजरा. एक ऐसा भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, डोंट लेट अपॉर्चुनिटीज पास बाय. डोंट लेट अपॉर्चुनिटीज पास बाय. अपॉर्चुनिटी को बिना बिना नोटिस किए अपनी आंखों से जाने मत दो. अपॉर्चुनिटी, मौका, मौका को जाने मत दो, उसका उपयोग करो. तो आई पास बाय योर हाउस. कल ही तो मैं आपके घर से गुजरा, मतलब कहीं से गुजरना अननोटिस्ड. तुमने मुझे देखा नहीं, बट कहीं कल ही कल ही तो मैं वहां से गुजरा, तुम्हारे घर के पास गुजरना कहीं से अननोटिस. गुड. महेश विल टेक डैश जॉन इन द फाइनल. गुजरना विदाउट नोटिस. यस ममता, वेरी गुड. विल, वेरी गुड सिद्धांश, वेरी गुड. महेश विल टेक, टेक ऑन मतलब सामना करना, कन्फ्रंट करना. कन्फ्रंट एंड एडवर्सरी, अपने प्रतिद्वंदी का सामना करना. कन्फ्रंट अ कॉम्पिटिटर, किसी का सामना करना, तो एक दूसरे का सामना होगा. महेश जो है फाइनल में जॉन से उसका सामना होगा, जॉन से कॉम्पिटिशन होगी. ओपोनेंट को फेस करना, अपने प्रतिद्वंदी को. तो टेक ऑन. और एक और याद रखना, देखो टेक का टेकअप याद रखना, टेकअप भी बहुत आता है. टेकअप, टेक ऑन तो बता दिया, टेकअप का, एक टेकअप का मतलब होता है फॉलो करना. फॉलो करना. और एक टेक ऑन मतलब सामने करना, सामना करना. कैन यू प्लीज डैश माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट. पब्लिश होने के पहले क्या मेरे वेबसाइट को डैश करोगे? वेरी गुड जेरी, वेरी गुड. कैन यू गो थ्रू एक बार, गो थ्रू कर लोगे, एक बार देख लोगे मेरे वेबसाइट. नहीं, फाइंड आउट नहीं होगा, क्या मेरे वेबसाइट को पता लगाओगे? फाइंड आउट करना, पता लगाना नहीं. कैन यू गो थ्रू मतलब एक बार सरसरी नजर से एग्जामिन कर लेना. एग्जामिन कर लो इसके पहले कि मैं अपना वेबसाइट पब्लिश करूँ, एक बार अच्छे से देख लो. ठीक है, गो थ्रू. वेरी गुड. The mother parted dash her married daughter in sorrow. Mother जो है अपनी married daughter से अलग हो गई दुख में. भाई हमारे girl students कहाँ हैं सब? Devilliers, girl student कहाँ पे है? मुझे girls का नाम बहुत कम दिख रहा है. हमारे bro लोग हमेशा comments में active रहते हैं answer देने में. कहाँ रहते हैं सारे girls? अब तो छठ पूजा भी खत्म हो गया, steno का exams भी खत्म हो गया, तो girls का कॉमेंट्स आना चाहिए. द मदर पार्टेड ऑफ नहीं होगा, नो ऑफ नहीं होगा, ये तो मैंने बताया है. पार्ट के साथ फ्रॉम भी लगता है, पार्ट के साथ विथ भी लगता है. अगर किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो फ्रॉम लगाना. किसी चीज शर्मा रहे हैं सब, किससे शर्मा रहे हैं? हम यहाँ हैं, सौभाग्य यहाँ है. और किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो विथ लगाओ. तो यहाँ मदर किससे अलग हो रही है? अपनी डॉटर से. और डॉटर इज अ पर्सन, पर्सन के साथ फ्रॉम लगाना. बिल्कुल नहीं शर्मा रहे यार, क्यों शर्माएंगे वो मुझसे? अपने टीचर से क्यों शर्माएंगे? पार्ट फ्रॉम. वुमेन हु स्वेयर डैश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर इन फॉर अ शॉक. बॉयज को हैबिट है कुछ भी सोचने की. हाँ, ये वो लोग का दिमाग चलते रहता है.
नो आइडिया. वुमेन हु स्वेयर, जो वुमेन ब्यूटी प्रोडक्ट को बहुत ट्रस्ट करते हैं ना, मैंने बहुत जिसने किया, आर इन फॉर अ शॉक. उसको तो बहुत बड़ा शॉक लगा. तो वो जो जो वुमेन ब्यूटी प्रोडक्ट पर स्वेयर बाय, स्वेयर करते हैं ना, कसम किस लिए खाते हैं, सामने वाले को भरोसा दिलाने के लिए. स्वेयर बाय, स्वेयर बाय, स्वेयर बाय मतलब द वुमेन हु ट्रस्ट इन, हु ट्रस्ट इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हु डिपेंड ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. तो स्वेयर बाय होगा, स्वेयर बाय, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, जिनको भरोसा है, उनके तो बहुत बड़ी शॉक लगी. सेशंस अच्छे लगेंगे तो लाइक कर देना. स्टेनो वाले स्टूडेंट्स भर भर के लाइक करेंगे, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छा जा रहा है, तो खुशी में लाइक करोगे. द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर, न्यू गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कार्यकाल संभाला, ऐसा टाइप वाला है, सारी जिम्मेदारी ली. कल स्टेनो का एग्जाम था, वोकैबुलरी और ग्रामर बहुत इजी था, उसीलिए मैं बार बार हर बार यूट्यूब पे आके ना आजकल एक डायलॉग बोल के जाती हूँ, ग्रामर और वोकैब से एग्जाम नहीं निकलेगा. हर बार मैं यही चीज बोल के जाती हूँ, आपको वर्क करना होगा पैसेज में. जब जब वोकैब और ग्रामर इजी आ गया तो आप ही के लिए नहीं था ना, सबके लिए था. अब तो असली खेल पैसेज, PQRS और क्लोज टेस्ट करेंगे, जिसने अच्छे से अटेम्प्ट किया वही निकालेंगे. या टेक ओवर कर लेना, मतलब सारा मालिकाना अधिकार, मतलब पूरा कंपनी टेक ओवर करता, गवर्नमेंट ने कार्यकाल संभाला, टेक ओवर. तो अब सारा खेल आ गया है पैसेज का, और मेंस में भी वही होने वाला है. जो पैसेज पे मास्टरी करेगा, PQRS पे, क्लोज टेस्ट पे, वही उसी का लिख लेगा ना. ग्रामर और वो क्या तो सभी कर लेंगे. व्हेन शी रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुई तो उसने सारा चार्ज वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया. मैम मेरा पैसेज में बस 3 क्वेश्चन हुए थे, टाइम ओवर हो गया. बार बार आपको बोलती बोल एग्जाम के पहले भी बोला था कि शुरू में ही टाइम बचा लेना. पैसेज लेंदी था आया था. हाँ हैंड ओवर, हैंड ओवर कर देना. हैंड ओवर कर दिया वाइस प्रेसिडेंट. जिसने पैसेज वगैरह अच्छा से किया है ना, उसका तो सिलेक्शन पक्का है. पीपल विथ रिकरेंट माइग्रेन, जिसको बार बार माइग्रेन वाला पेन होता है ना, माइग्रेन अटैक होता है, वो हमेशा एक ऐसा मेडिसिन ढूंढते हैं ना जो उनके पेन को खत्म कर दे. अनअकैडमी का स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे होता है, सैटरडे संडे, ट्यूजडे भी ले, मतलब मंडे भी ले लेती हूँ, वेडनेसडे भी ले लेती हूँ. लुक फॉर, दे आर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है दे आर सर्चिंग, वो ढूंढते हैं एक ऐसा रास्ता, ढूंढते हैं जिससे उनका दर्द हो. लुकिंग टू का मतलब तो इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं. ये सब नहीं हो. द कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब दोषी, दोषी ने अपना पूरा लेवल बेस्ट, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, बट जज लुक्ड डैश हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी. पैसेज डायरेक्ट वाला था. हाँ तो इतना पैसेज करवाया था मैंने, और ये बोलोगे ना कि मेरा पैसेज छूट गया, तो ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है. अरे कमल, तो एक बार शुरू वाले एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर लोगे, उसके बाद तो आपका स्किल टेस्ट है ही, स्टेनो और टाइपिंग है ही, लेकिन शुरू वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर लेना. कल जो अनअकैडमी के ऊपर फ्रेजल वर्ब हुआ था वो अलग है, और आज का फ्रेजल वर्ब अलग है. यस, आप क्या करोगे ना, कॉन्विक्ट ने अपना पूरा ट्राई किया, बट जज लुक्ड एट हिम करोगे, लेकिन गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि लुक थ्रू का दो मतलब होता है, एक तो लुक थ्रू करना, किसी चीज को गो थ्रू करना, और एक लुक थ्रू का मतलब होता है ना, जज ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. कॉन्विक्ट ने अपने पूरे ट्राई किया, बट जज ने उसको लुक थ्रू किया. लुक थ्रू किया मतलब जज ने उसको इग्नोर किया एंड फाउंड हिम गिल्टी. लुक थ्रू किया, इग्नोर किया. यस, आप एग्जाम में लुक थ्रू नहीं करके आओगे, आप तो लुक थ्रू का कुछ और मीनिंग सोचोगे, गो थ्रू सोचोगे. जज ने लुक थ्रू किया, अनदेखा कर दिया उसको.
Our monthly expenditure dashed by 500 rupees when we decided to buy milk from the milkman. हमारा मंथली एक्सपेंडिचर 500 रुपये और बढ़ गया, ओवरलुक कर दिया. गुड. आपने इतनी प्रैक्टिस की है, अब आप जो एग्जाम जाओगे ना देने तो ये बोलोगे इजी आया था ग्रामर और वो क्या. लेकिन आप लोग शायद इसको इग्नोर, पीक्यूआरएस और पैसेज को इग्नोर कर देते हो. मैं हाँ ग्रीव अप. अच्छा अच्छे से देखो, शॉर्ट अप. ग्रीव गॉट अप तो नहीं होगा, गेट अप तो होगा नहीं, या तो ग्रीव अप या तो शॉर्ट अप. आंसर बताना. ग्रो अप का मतलब होता है ना कोई भी चीज मात्रा में धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना मात्रा में. ग्रो अप धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. बट आपने 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 मिल्कमैन से दूध खरीदने का डिसाइड किया तो अचानक से आपका 500 रुपया बढ़ गया उस मंथ में, तो इट्स नॉट ग्रो अप, इट्स शॉर्ट अप. शॉर्ट अप का मतलब है कोई भी चीज धीरे धीरे नहीं, सडनली सडनली. शॉर्ट अप, शॉर्ट अप मतलब पिछले मंथ तक तो ये था और अचानक से बढ़ गया जल्दी, इंस्टेंट. द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज डैश एज एंड इंप्लॉयज वेरी हाई पेड टेक्नोक्रेट्स. एकदम से पैसा बढ़ गया है. चलो बताओ, कम आउट ऑफ एज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो गया है, अब वो बहुत ज्यादा पैसे पे करता है. कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं ना ही हैज कम ऑफ फ्लाइंग कलर्स. कम ऑफ का मतलब है बहुत सक्सेसफुल हो गया है, बहुत स्टैब्लिश हो गया है, उसने अपने पैर जमा लिए हैं, सक्सेसफुल हो गया है. वैसे कम ऑफ का एक और मतलब होता है ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली. तो यहाँ ताल्लुका उसको, वो बिलोंग करता है रिच फैमिली से. कम ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग्स टू, ये भी सही. मैंने आपके न्यू बैच वाले अपडेट में, कल जो क्लोस्टेस का बैच शुरू हुआ है ना, वहां चेक कर लेना, वहां पे मैंने अपडेट में सब डाल दिया है. पैसेज का लेवल 1 लेवल 2 डाला है मैंने, क्लोस्टेस भी डाल दिया है, पीक्यूआरएस भी डाल दिया है. तो वहां से सब बनाना शुरू कर देना, सब आपके पास चला गया. नहीं, ग्रो अप का मतलब है कोई भी चीज धीरे धीरे ग्रो करे. ग्रोइंग ग्रोइंग देख लिया है. हाँ देख के रख देना. कम्स ऑफ, एक कम ऑफ का मतलब होता है बहुत स्टैब्लिश सक्सेसफुल हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है. अब कम ऑफ एज मतलब अब बहुत ज्यादा स्थापित हो गया, पे करते हैं. स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स डैश ऑल द प्राइजेस. कल के लिए एक छोटा पैसेज बनाना, नहीं दो पैसेज नहीं बनाना, एक पैसेज बनाना. छोटा पैसेज तो मैं करवाऊंगी क्लास. हाँ बस बियर विथ नहीं होगा. बियर विथ का मतलब तो बर्दाश्त करना. बोर अवे, बोर अवे का मतलब होता है क्या है, बोर अवे मतलब वन जीतने के सेंस में होता है. जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सेंट जेवियर बहुत सारे क्लाइज बोर अवे तो पढ़ाया है. बियर अवे विन करना, बियर के पास बोर. द ऑथर्स लव फॉर डेमोक्रेसी. ऑथर का जो डेमोक्रेसी वाला लव था ना, डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के प्रति जो लव था, उसके नॉवल में सामने आया. उसने अपने नॉवल में खुल के एक्सप्रेस किया और लोगों को, ऑडियंस को दिखा भी, रीडर्स को. कम अबाउट ना, कम अबाउट का मतलब होता है किसी घटना का होना. हाउ डिड दिस थिंग अब कम अबाउट, हैपन होना, हैपन का सेंस थोड़ी जा रहा है. कम अप का मतलब है सामने आना, हाईलाइटेड हुआ, कोई भी चीज हाईलाइटेड हुआ. कम थ्रू नहीं होगा. कम अप मतलब सामने आना. उसके आइडियाज जो डेमोक्रेसी का लव है ना, डेमोक्रेसी के प्रति लव, नॉवल में खुल के लोगों के सामने आना. He went dash his work quietly, day in and day out. ये मैंने आपको बताया भी है. Go about,
गो अबाउट, वेंट अबाउट, ये बहुत कॉमन है जो हम हर दिन यूज करते हैं. ही वेंट अबाउट डूइंग द सेम वर्क, ही गोज अबाउट डूइंग द सेम वर्क. गो अबाउट का मतलब होता है ना रूटीन, रूटीन वे में काम करना. कोई भी काम आप कंटिन्यूअस रूटीन में कर रहे हो, रूटीन में कर रहे हो, तो ही वेंट अबाउट कुछ नहीं कर रहा था, बस अपना काम डेली, डे इन और डे आउट, मतलब पूरे दिन लगातार बस अपने काम में लगा था, उसका रूटीन, रूटीन काम कर रहा, रूटीन्स. बियर ऑन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, बियर ऑन नहीं होना. द स्टैचू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम. ये जो स्टैचू है ना, ये फ्रीडम का प्रतीक है, ठीक है, ये आजादी का प्रतीक है. डे इन डे आउट काम कर रहा है. ये जो स्टैचू है ये अगेंस्ट नहीं है, हाँ किसी चीज का प्रतीक, जैसे यू आर अ सिंबल ऑफ, सिंबल ऑफ लिबर्टी, सिंबल ऑफ एनीथिंग. तो स्टैचू इज अ सिंबल, स्टैंड फॉर, ये स्टैचू जो है आजादी का प्रतीक. द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस वर्क हाउ टू डैश द डाइंग मैन. आ गए हैं अकेडमी वाले, हाँ 5 बार आएंगे. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. हर दिन आप लोग को थैंक्स बोलते हो, आप लोग को बोल, कोई आपको थैंक्स बोले तो आपको बोलना है ना माई प्लेजर, ऐसा ऐसा भेजना चाहिए. आप लोग कुछ बेसिक एटिकेट्स बोलेंगे, मैम ने इंग्लिश पढ़ाती है, इन लोग को बेसिक एटिकेट्स नहीं सिखा रही. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आप लोग को लिख के भेजना, इट्स माई प्लेजर, फील्स गुड टू बी हियर. डिस्क्राइब एंड हिट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन. ब्रिंग अप नहीं होता, ब्रिंग अप का मतलब तो पालन पोषण करना, रियर करना, ये तो होगा ना. इट्स माय प्लेजर, मेंशन नॉट सी एन एकेडमी, माय स्टूडेंट्स आर थैंकिंग यू. हाँ बताओ. टू देखो, ब्रिंग बैक का मतलब नहीं होता, ब्रिंग बैक का मतलब ना किसी चीज को या किसी व्यक्ति को अपने पुराने वाले स्थान पे वापस लाना, और ब्रिंग आउट का मतलब है हाईलाइट करना. ब्रिंग राउंड का मतलब है रिवाइव करना, रिवाइव, रिवाइव मतलब जो मर मरने वाले हालत में था ना, डाइंग मैन को फिर से रिवाइव कर दिया, रिकवर कर दिया, रिकवर. ब्रिंग राउंड होगा, ब्रिंग राउंड. कम से कम 69 लाइक्स करो, कितने हैं देखो जरा, कितने लाइक्स है, चलो 57 रखा है, 69 वॉचिंग पे है, 67 69. पता नहीं क्यों नहीं करते, ऐसे पढ़ते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद आके बोलेंगे मैम वो वाला वो क्या आया था, वो वाला वो क्या आया. तो मुझे मन करता है ना बहुत पीटने का, लाइक करने के लिए बोल रहे, जब वो सब आया था पढ़ाया हुआ तो लाइक करना है ना. ओ माय गॉड, हर्ष गुप्ता ने तो बहुत अच्छा मैसेज लिख के भेज दिया, अन एकेडमी को थैंक्स कर दिया. यस, फ्रेजल वर्ब की यही ब्यूटी है, जितना भी प्रैक्टिस कर लो ना कहीं गलती होती रहती है, लेकिन हम फिर भी करते जाएंगे. एक पॉइंट ऐसा आएगा सिद्धांश की आपकी कोई गलती नहीं. ब्रिंग राउंड होगा, ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी को रिवाइव कर देना. एक ब्रिंग ओवर भी होता है, ब्रिंग ओवर का मतलब है परसुएड करना, मना बुझा लेना, परसुएड करना, कन्विंस. चलिए, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ हॉलीडे, हॉलीडे से लौटने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा. जैसे मैं कभी छुट्टी पे जाती हूँ, मैं कभी छुट्टी पे जाती हूँ, वहां से लौटती हूँ तो बहुत सारे, जितना मेरी क्लास छूटे हुए होता है सबको मुझे कंपनसेट करना होता है, सैटरडे सैटरडे ले लेके, सैटरडे संडे. तो क्या होता है, आई हैव टू कोप, कोप विथ करना है, मैनेज करना है, तो वैसे ही होता है आई हैव टू कैच अप विथ, कैच अप विथ, भरपाई करना, कंपेंसेट करना जो छूटा हुआ क्लासेस है, कैच अप विथ. हाँ
द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स, टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं ये बताने के लिए कि देखो पोएम में क्या बताया जा रहा है, इस पोएम के थ्रू क्या बताया जा रहा है। और जिन बच्चों को नहीं पता है ना, अन अकेडमी पे जो मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ संडे के संडे, आ जाना। संडे को रात में 8 बजे से मॉक टेस्ट होगा अन अकेडमी पे, ठीक है? सब आएंगे, जिसका सिलेबस खत्म हो गया सारे बच्चे आ जाएंगे। अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में आएंगे, इंग्लिश विद रानी मैम टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां सब होगा। अभी तुरंत करेंगे नेहा, अभी तुरंत करेंगे। टीचर ने बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, बच्चों के सामने बहुत सारे आइडियाज सामने लाने के लिए। ब्रिंग ब्रिंग फोर्थ भी नहीं होगा, हाईलाइट करने के लिए। ब्रिंग आउट ब्रिंग आउट ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, हाँ मैम बोल के, ब्रिंग आउट का मतलब होता है हाईलाइट करना। इस हाईलाइट करते हैं ना टीचर, ब्रिंग आउट। देखो आज तो खुद अन अकेडमी ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। ब्रिंग आउट, बाप रे बाप रे, नहीं करना, ये सब पढ़ा दिया है। ब्रिंग आउट, ब्रिंग फोर्थ का मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, और ब्रिंग आउट आइडियाज जो पोएम के अंदर छुपा हुआ है उसके आइडियाज को हाईलाइट करने। आज तो अन अकेडमी कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, थैंक्स क्या बोल दिया। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है ना किसी भी चीज को बहुत हाईलाइट करना, सामने उजागर करना। ही स्लिप्ड, ये तो प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। ही स्लिप्ड डैश इज ओल्ड वेज, पुराने तौर तरीकों में फिर से लत लग गई और फिर से पीना शुरू कर दिया। मैं कहाँ से भेज रही हूँ, मैं अन अकेडमी वाला मैं थोड़ी भेज पाऊंगी, मैं थोड़ी भेज रही हूँ, या अन अकेडमी का टीम वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। चलो मंजू बता दो, टुडे आई वाज आई हैड माय स्टेनो पेपर, माय पेपर, तो बता दो मंजू कैसा गया आपका एग्जाम, शेयर कर दो कि मैं खुश हो जाऊं। हाउ वाज योर एग्जाम। स्लिप इनटू का मतलब होता है फिर से, इनटू अपने पुराने तौर तरीकों में फिर से स्लिप इनटू हो गया, और गलत कामों में फिर से स्लिप इनटू हो गया, फिसल गया गलत और फिर से पीने लगा। द मीटिंग इज डैश, ये तो सब बच्चा करेगा। यहाँ पर तो 80 के 80 स्टूडेंट जो मुझे टॉप चैट्स में दिख रहे हैं, सबका आंसर करेक्ट होगा ये। गुड, बट मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चंस आया था। ओके, मीटिंग को क्या किया गया, पुट ऑफ किया गया। मीटिंग को पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन किया गया, इसलिए फंड नहीं आया। मीटिंग को बुझाया तो नहीं गया, अफोर्ड नहीं किया गया, पुट ऑफ। ही डिडेंट हैव द गट्स, उसके पास इतना गट्स नहीं था ना, उतना करेज नहीं था कि वो अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हो जब उसका फ्रेंड मुसीबत में था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले होंगे या तो उनका, हाँ ये एरर में भी आया हो। स्टैंड बाय, आई विल स्टैंड बाय यू, तो बोलते हैं ना आई विल स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाय का मतलब है बगल में, स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब है अच्छा और बुरा वक्त में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो आई विल स्टैंड बाय यू। अब आप बोलोगे मैम बिसाइड क्यों नहीं लगा रहे, ठीक है? बिसाइड का मतलब होता है ना मैं तुम्हारे बगल में बस खड़ा हूं, तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, और स्टैंड बाय का मतलब है मदद के लिए सपोर्ट में खड़ा हूं। एक्टिव पैसिव और नरेशन लेंदी था बहुत, स्टेनो में आता ही है लेंदी, स्टेनो में एक्टिव पैसिव लेंदी ही आता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया तो जनरेटर्स भी क्या हो गया, जनरेटर्स ऑल्सो कट इन, नहीं कट ऑन नहीं, वो भी डिसरप्टेड हो गया, इमरजेंसी जनरेटर्स।
आंसर बताना। कट आउट थोड़ी होगा, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट ऑफ हुआ। वो कैब वॉज वेरी वेरी गुड, अच्छी बात। शी वॉज डैश फ्रॉम द मीटिंग टू टेक, उसको मीटिंग से बुला लिया गया एक इमरजेंसी कॉल लेने के लिए। जो भी ये हमारा ट्रेलर है, TCS का ट्रेलर है, जो बच्चे मेंस देने वाले हैं ना, टाइटन योर सीट बेल्ट फॉर पैसेज। सेंट जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत सारा प्राइज जीता, तो मैंने वहां पे बियर अवे करवाया। बियर अवे का मतलब है जीतना, जीतना। शी वॉज क्या है कॉल्ड फॉर, क्या है शी वॉज कॉल्ड फॉर थोड़ी होगा। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांडेड, कॉल फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वायर्ड, डिमांडेड, किसी चीज की जरूरत है। उसको मीटिंग से अलग कर लिया गया, मीटिंग से बुला लिया गया कि आप कॉल अटेंड करो। कॉल आउट का मतलब है चिल्ला कर बुलाना इन अ लाउड वॉइस। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये तो कॉल अप करना फोन पे, ये सब हटा। शी वॉज कॉल्ड अवे, अवे मीटिंग से उसको हटना पड़ा, अवे होना पड़ा फोन कॉल अटेंड करने के लिए। क्या क्या बोल रहे हो सब, कॉल अप कर रहे हो सब। शी वॉज कॉल्ड अवे फ्रॉम द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम से बाहर किया गया, मीटिंग से बाहर आके। After traveling so many days, after traveling for so many days, I got your class. तो ऐसा क्यों, why were you so troubled? I have no idea as to what dash the change in his attitude. मुझे आइडिया नहीं है ना कि आखिर उसके एटीट्यूड में ऐसा क्या चीज है that brought change. इतने ज्यादा आप ट्रबल में क्यों, तो मैं तो हर जगह दिखते रहती हूँ आपको, कहीं ना कहीं पढ़ाते रहती हूँ। व्हाट 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 ब्रॉट इन, ब्रिंग इन, ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट आउट, चलो बताओ। व्हाट 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 ब्रॉट अबाउट चेंजेस, ब्रॉट अबाउट होगा, ब्रॉट अबाउट तो पढ़ा है आपने अभी। तो ब्रिंग आउट का मतलब है हाईलाइट करना, उजागर करना, मतलब ऐसे व्हाट हैपेंड, What happened? क्या ऐसा हुआ कि आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ गए। ब्रॉट अबाउट का मतलब अक्सर किसी घटना का होना। मोबाइल फोन्स विद सीरियस फॉल्ट्स हैव बीन डैश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है उसीलिए तो नया फ्रेजल वर्ब का बैच शुरू हुआ है ना। इस नया फ्रेजल वर्ब का बैच का टारगेट होगा स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस डालना, इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स, नॉट डगमगाना। चलो आंसर बताओ, सब आपस में खुश हो रहे हैं, स्माइल कर करके आंसर आंसर देने में डर लग रहा है। कॉलिन, कॉलिन बुलावा भेजा गया, कॉलिन किया गया, समन किया गया। जो मोबाइल फोन्स जिसमें फॉल्ट थे ना, मोबाइल फोन पर कॉलिन, कॉलिन उसको बुलाया, मतलब जो बनाने वाले को बुलाया गया मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। मोबाइल फोन को तो नहीं बुलाएंगे, मतलब उनके जो लोग यूज कर रहे हैं। मैंने ब्रिंग आउट को इन डेप्थ, मैंने ब्रिंग आउट को हाईलाइट बोला था The teacher brought out examples. मैंने bring out को highlight बोला था, और मैंने अभी बोला bring about. Bring about का मतलब होता है किसी घटने का, घटना का होना। He always dash you in his letters. अपने letter में अक्सर वो तुम्हारे बारे में पूछा करता है। मंजू सेज कि आई एम हैप्पी डैट आई अटेंडेड 98 क्वेश्चंस। अरे ये भी तो देखना है ना, 98 क्वेश्चन जय माता दी वाला तो नहीं किया है ना। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट यू अटेंडेड, बट आई विल बी
हाँ, इवन मोर हैप्पी व्हेन आई गेट टू नो अबाउट योर एक्यूरेसी लेवल. योर एक्यूरेसी शुड आल्सो बी 98%. आस्क अबाउट, ही ऑलवेज आस्क अबाउट, तुम्हारे बारे में अक्सर पूछता है. हिज हेल्थ डैश, बहुत सारे प्रेशर में ना, वर्क प्रेशर में उसका हेल्थ डैश हो गया. फ्रेजल वर्ब को कोई भी बच्चा ना फ्रेजल वर्ब में 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स अगर फ्रेजल वर्ब में 90 नहीं मांग रही हैं, 80% भी कॉन्फिडेंट हो जाए, काम हो जाए. क्योंकि देखो, कॉमन कॉमन तो मैंने आपको रटवा दिया है, लेकिन थोड़ा सा हट हट के भी करना है ना. कल एक बच्चा बता रहा था, मैम अब हमें फ्रेजल वर्ब का औसम वाला भी करवा दीजिए. औसम वाला, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, जैसे यू ब्रेक डाउन अंडर प्रेशर, प्रेशर में टूट जाते हो आप, ब्रेक डाउन हो जाते, पक्का है, पक्का है. हैम्पर का एंटोनिम आया था, क्या किया है कि बहुत इजी था, किसी चीज को हैम्पर करना, बाधित करना, जरूर वर्ब वाला आया. एक तो हैम्पर गिफ्ट भी होता है, हैम्पर वर्ब फॉर्म में आएगा, बाधित करना, किसी चीज को आसानी से होने देना. चलो अंशु बताओ क्या क्या था ऑप्शन में. हैम्पर करना मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, और ये फैसिलिटेट करना, तो बताओ ऑप्शन में क्या था हैम्पर का एंटोनिम में. फैसिलिटेट हो सकता है किसी चीज को आराम, बताओ आंसर, बताओ मतलब ऑप्शन बताओ. एक्सपेडाइट करना, किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना, फैसिलिटेट करना, एक्सेलरेट करना. इतना इजी इजी आया था हैम्पर वगैरह, और मुझे बहुत खुशी थी. अब पता नहीं परसों मैंने करवाया था, वो क्या करवाया था, बैटर, बैटर करवाया था, और कल वाले पेपर में बैटर आया था. भूल गए ऑप्शन, शायद ये प्रॉब्लम है, ऑप्शन ही नहीं याद रहता है स्टूडेंट्स को. करेक्ट किया रहेगा तो ऑप्शन याद रहेगा. ब्रोक डाउन बैटर वाला आया था. एक फ्रेजाइल भी आया था एग्जाम के बाद. फ्रेजाइल का मतलब है बहुत नाजुक. इसे तो बहुत इजी से आया, आपने तो बहुत ज्यादा अच्छा वोकैब किया है. लेकिन ये मत सोचो, अभी आपका मेंस बचा हुआ है ना, वोकैब में ना ये नहीं होता है कि आप इजी आ गया है, सब पढ़ के जाना है, उसी में एक आध दो डिफिकल्ट आ गया, बाकी नहीं कर पाएंगे आप, कर लो. हाँ ये वाला याद रखना, ये एकदम रट लो, न्यूज़पेपर का फेवरेट वर्ड है. योर ओपिनियन इन दिस ऑन दिस इश्यू कट्स अक्रॉस बाउंड्रीज, आपका ओपिनियन है कट्स अक्रॉस बाउंड्रीज, मतलब ट्रांसेंड करना, दायरे से बाहर, दायरे से बाहर, मतलब सारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के दायरे से बाहर है इस इश्यू को. करेक्ट है, कट अक्रॉस बाउंड्रीज, नोटेड. सेवरल पीपल हैव डैश सिक टूडे, आज बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं. ये तो गलत करोगे 100% श्योर, ये तो 100% हद पार कर देना. हाँ, बियॉन्ड क्रॉसेस ऑल बाउंड्रीज, वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड. हैव कॉल्ड इन सिक टुडे, फॉल इन, यहाँ फॉल इन सिक, वेरी गुड. ही वॉज डैश बाई हिज आंट, इसको तो 80% स्टूडेंट करेक्ट करेंगे, 80% स्टूडेंट करेक्ट करेंगे. ये तो बच्चा वाला है, उसके आंट ने उसका पालन पोषण किया है, उसके आंट ने उसका पालन पोषण किया. ब्रॉट अबाउट नहीं होगा, अभी ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या है, हाईलाइट करना. ब्रॉट अप का मतलब है पालन पोषण, रियरिंग, देखभाल, पालन पोषण, ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, उसको तो सब करेक्ट. इसको भी 80% बच्चा करेक्ट करेगा. मेरा टारगेट होता है कि आपका एक नंबर भी लूज ना हो, उसीलिए सब लेवल का करेंगे, सब लेवल करके जाएंगे. शी हैज डैश हर मदर, टेक ऑफ करना, तो एक तो प्लेन टेक ऑफ करता है और एक टेक ऑफ रिमूव भी होता है. टेक अप मतलब फॉलो करना, और टेकन टू का मतलब है चीज टेकन टू, किसी चीज का आदि होना, हैबिचुएटेड होना. और टेक आफ्टर तो बताया है, टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा, रिजेंबल, वो अपनी मदर की तरह है, शी हैज टेकन, मदर की तरह. सिंपल
सिमिलर सिमिलर टेक आफ्टर रिजेंबल बोलते हैं, रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। शी इज सो ब्यूटिफुल, देखो ये वाला, शी इज सो ब्यूटिफुल, इतनी ब्यूटिफुल है कि अपने सारे फ्रेंड्स में छट जाती है, सारे फ्रेंड्स में अलग है। एक मैंने कल आपको करवाया था ना सेट अपार्ट, कल आपको फ्रेजल वर्ब की बैच में करवा रही थी, सेट अपार्ट मतलब अलग। यस शी स्टैंड्स आउट, जैसे आप बोलते हो ना ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट मतलब ये सारे लोगों में ऑड है, मतलब सबसे अलग है, तो ही स्टैंड्स आउट, स्टैंड्स आउट अच्छे कारणों से, मतलब अच्छी क्वालिटीज है इसलिए बाकी में से छट जाती है अलग। वी आर लुकिंग डैश द गवर्नमेंट टू हेल्प अस, अभी तो आपको इतना ज्यादा, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं भी करते हो, अगर अपने से सेल्फ, मैंने आपका काम आसान कर दिया, सेल्फ प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी नहीं भी कर रहे हो और यहाँ आके भी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर से सेल्फ करने की जरूरत नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, हम गवर्नमेंट को ढूंढ रहे हैं, जैसे आपने आपने ये वर्ड सुना है ना लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है आशा करना, हम होप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, तो हम लुक फॉर का मतलब तो ढूंढना है, गवर्नमेंट की तरफ लिया लुकिंग टू, लुकिंग टू। द ब्राइड सेटल वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट, जो ब्राइड है ना दुल्हन है नए नए वातावरण में बहुत अच्छे से सेटल कर गई। क्या बोल रहे हैं, 41 और 43 में कंफ्यूज हो गया है, चलो उसको लास्ट में देख लेंगे, अभी तो हम आगे निकल गए। सेटल डाउन, सेटल डाउन, द ब्राइड सेटल डाउन, तो बोलते हैं अरे सेटल डाउन कर लो अच्छे से नए एनवायरनमेंट में ना, अपने आप को नए एनवायरनमेंट के अनुकूल ढाल लो, सेटल डाउन कर लो। इंडिया विल डैश पाकिस्तान इन द फाइनल्स, कल का मैच तो सबने देखा होगा, इंडिया विल डैश। सेशंस अच्छे लग रहे हैं लाइक कर देना, 100 तो कर ही लेना, अभी हमारे 96 है। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था ना, सबसे क्वेश्चन टेकन बैक, टेक बैक को फिर से पुनः उस जगह पे डाल दें। अभी हमने ये टेक ऑन मतलब सामना करना, ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, और टेक आफ्टर का मतलब है रिजेंबल, एक जैसे इंडिया सामना करेगा पाकिस्तान से उसका मुकाबला होगा, टेक ऑन। हम अकेडमी वाले आज बहुत एक्टिव है। आवर पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड मतलब वो बहादुरी जो आप मुसीबत के समय दिखाते हो, करेज जिसको सकर बोलते हैं, SCCOUR सकर। कल के मैच में बहुतों की खुशी हुई थी यार, मैंने पूरा मैच नहीं देखा था बट लास्ट का तो देखा था, लास्ट आपकी क्लास लेने के बाद ना 10 बजे 10:30 बजे के करीब लास्ट ओवर सब देखा था, लास्ट 10:30 के करीब। दैट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, उसका पेशेंस और उसका फोर्टिट्यूड, उसका धैर्यता और उसका करेज उसको संकट से बाहर निकाला, क्या होगा कैरिड हिम, क्या होगा उससे, क्या होगा जो भी आते हैं हम लोग अपनी कंट्री को ही करें, कैरीड हिम थ्रू, कैरीड हिम थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब होता है ना, कैरी थ्रू का मतलब होता है संकट से बाहर निकल के आया, कैरी आउट नहीं होगा। अच्छा कैरी आउट का मतलब क्या होता है, प्लीज कैरी आउट माय ऑर्डर्स, कैरी आउट का मतलब है मेरी आज्ञा का पालन करो, इंप्लीमेंट करो। क्या बात है भाई, लास्ट में मजा आया सबको। आई वॉज टेकन डैश, आई वॉज टेकन
मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। शॉकिंग न्यूज, उसकी डेथ का न्यूज सुनकर आई वॉज डैश। आंसर बताना। तो अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच का कुछ बोल क्या नहीं दिया, एक का डिसलाइक आ गया है, एक का डिसलाइक आ गया। सेशन के लास्ट में डिसलाइक करता है, या तो ये बच्चा आता ही है डिसलाइक करने, या तो सेशन के लास्ट में ये जज करता है कि बेकार सेशन। उसको इतने लास्ट में पता चलता है कि अरे बेकार है। टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब है एकदम बहुत चक्का रह जाना। ही वॉज टेकन अबैक, सरप्राइज हो जाना। नेक्स्ट, द फादर वॉज एंग्री। फादर एंग्री था और अपने सन को क्या कर दिया, बहुत सिंसियर है, बाद में रियलाइज होता है। चलो बताओ, कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ, कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है? कास्ट डाउन, ही फील्स वेरी कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब होता है ना, बहुत दुखी लग रहा है आज वो। ही फील्स वेरी कास्ट डाउन, डिसअपॉइंटेड। फादर ने अब बच्चे को हटा दिया, घर से बाहर फेंका। और कास्ट डाउन का मतलब है बहुत ज्यादा, आपने एक वर्ड पढ़ा है क्रेस्ट फॉलन, इसका मतलब भी है बहुत दुखी। क्रेस्ट मतलब ऊपर, फॉल ऊपर से नीचे गिरता है तो कोई कास्ट डाउन हो जाता है ना, डिसअपॉइंटेड, सैड, पुट आउट। डिसअपॉइंटेड का एक और वर्ड आपको बताया, ही फेल्ट पुट आउट। पुट आउट का मतलब बुझाना भी होता है, और आज वो बहुत बुझा बुझा दिख रहा है, सैड दिख रहा है। शी वॉज अवेयर ऑफ वॉट वॉज गोइंग डैश हर फादर्स माइंड। वो अवेयर था कि उसके फादर के दिमाग में चल क्या रहा था। बताओ, वॉट वॉज गोइंग थ्रू नहीं होता, गो थ्रू अलग वर्ड होता है। गो थ्रू द आंसर्स, एक बार आंसर को फिर से पढ़ो, एग्जामिन करो। गो थ्रू नहीं होगा, वॉट वॉज गोइंग, आप गो ऑन भी लगा सकते हो, वॉट वॉज गोइंग ऑन भी लगा सकते थे, लेकिन ये गड़बड़ है। वॉट वॉज गोइंग ऑन नहीं होगा, वॉट वॉज गोइंग ऑन इन हर फादर्स माइंड, बट इन तो नहीं लगा है, तो सिंपली वॉट वॉज गोइंग इन, वॉट वॉज गोइंग इन कर लेंगे। What was going in her father's mind? देखना है ना, what was going her? ऐसा कभी इंग्लिश होता है? What was going her कहां से हो जाएगा? ये going in her, सिर्फ इन लगाओ, लिटरल है, लिटरल मीनिंग है। वी शुड गो, हाँ ये गो अबाउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो करवाया है। गो अबाउट का मतलब होता है ना अपना रेगुलर काम करना, तो ये एक एडवाइस दिया जा रहा है। वी शुड गो डैश मोइंग, हमें अपने, हमें क्या करना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुड करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए। हमें अपने लाइफ में क्या फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना मतलब जो काम आप रूटीन वाइज करते हो। गो अबाउट, गो अबाउट, वी शुड गो अबाउट डूइंग मोर गुड, हमेशा अच्छा करना चाहिए, किसी को डिसलाइक नहीं करना चाहिए। कर देते हो, ये नहीं समझते हो टीचर बेचारे कितने बुरा फील करते हैं, डिसलाइक कर देते हो, एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उन्हें पढ़ाने का फिर मन नहीं करता है, फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना माइंड ठीक करके फिर नेक्स्ट डे पढ़ाने आते हैं, बहुत टीचर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट वाला, दो दो ने डिसलाइक कर दिया है, अब दुखी हो जाते हैं टीचर की, इतनी मेहनत के बाद भी बच्चे डिसलाइक कर दे रहे हैं, और अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। He could not cope. What should I do? कि I don't get dislikes. इतना उनको मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ, फिर भी अपना डिसलाइक हटा नहीं रहे। चलो, he should not cope. कोप अप विथ नहीं होता है, ये तो कई बार बताया, कोप अप विथ नहीं होता है, अप और विथ नहीं हो, शुड नॉट कोप विथ, वो मैनेज नहीं कर पाया हैवी लोड को, मैनेज नहीं कर पाया, कोप विथ होगा, कोप अप विथ नहीं लगाना है, मेरे ऐसे ऐसे बातें नहीं करना है कि शायद शायद में बात नहीं करना है, कोप विथ।
अक्यूज्ड वॉज, जो दोषी है उसको बरी कर दिया गया, क्योंकि एज द काउंसिल उसके कोई गवाह नहीं आया। याद नहीं आना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप अप और विथ एक साथ नहीं है, उसको लेट ऑफ कर दिया जेरी। वेरी गुड, लेट ऑफ, लेट ऑफ कर दिया गया मतलब उसको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया। एसएससी का फेवरेट है, वेरी गुड क्वेश्चन। कोप अप विथ लगा देते, कोप विथ अलग होता है मैनेज करना, और कोप अप कोई चीज आपका छूट गया है, भरपाई करना उसकी, कंपेंसेट करना। टर्न द लाइट्स, कल तो मैंने लाइट्स वाला बहुत सारा आपको फ्रेजल वर्ब करवाया था स्पेशल क्लास। वैसे कल कल आपकी स्पेशल क्लास है 1 से 2, संडे को तो टेस्ट लूंगी, बट कल भी आपकी स्पेशल क्लास है 1 से 2, वो कैप की क्लास। टर्न द लाइट्स, बेड पे जाने से पहले टर्न ऑफ 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 द लाइट्स। द स्टूडेंट्स आर टोल्ड, स्टूडेंट्स को बोला गया कि डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढो वर्ड का। लुक अप, लुक अप, लुक डाउन अपॉन, किसी को तुच्छ नजर से देखना, लुक इनटू जांच पड़ताल, लुक आफ्टर देखभाल। मीनिंग को ढूंढो, मीनिंग सर्च करो डिक्शनरी। वो कैब में अब मजा आता था, पहले डर लगता था। जिस दिन आप लोग बोल दो ना कि मैम क्लोज टेस्ट में मजा आता है, क्लोज टेस्ट में, और उससे भी ज्यादा जिस दिन मुझे बोल दो पैसेज में मजा आता है, उसके बाद फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी अपना। उसके बाद फिर बोलूंगी अब तो इनको सब में मजा आ रहा है, एक्सपर्ट हो गया, छोड़ दो। माई ब्रदर डैश अ हाउस बाय द सी। लुक अप का दो मतलब होता है, हैप्पी, हैप्पी नहीं है क्या, अभी कुछ आया था। लुक अप का मतलब दो होता है, एक तो लुक अप मतलब डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना, और एक लुक अप का मतलब इंप्रूव होगा, इंप्रूव होगा। क्लोज टेस्ट एंड पैसेज में मजा आता है, बट डोंट लीव। मजा आने का मतलब है कि आंसर करेक्ट होना चाहिए। माई ब्रदर डैश अ हाउस बाय द सी। लुक अबाउट अ हाउस, कहां से पक्का? वेरी गलत आंसर दे रहे हो। मेरा बाय द सी मतलब समुद्र किनारे मेरा भाई घर ढूंढ रहा था, लुक फॉर अ हाउस, वो एक ऐसा घर ढूंढ रहा था ना जो समुद्र किनारे। लुक अबाउट क्यों होगा, वाई लुक अबाउट? जैसे आप दिवाली में आप अपना घर को रेनोवेट करवाते हो, मतलब थोड़ा सा संशोधन, थोड़ा बहुत चेंजेस करवाते हो, तो हिज बंगलो वेंट थ्रू, उसका जो बंगलो है ना, मेक, मेकआउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, मेकआउट। और मेकअप तो जानते हो, एक मेकअप तो वो मेकअप है, और एक मेकअप मतलब पैचअप होता है, और मेक ओवर करवाना मतलब चेंजेस, चेंजेस, मेक ओवर, मेक ओवर। ओवर को लॉक कर दिया है, रेनोवेट करवाना है, रेनोवेट के साथ ओवर मतलब है। वो एक बच्चा आया है, घोड़ा नाम रखा है, घोड़ा राम। आफ्टर शी डाइड ही हैड नथिंग टू लिव डैश। 65 तक करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, 65 तक रहने दो। आपका डिस्क्रिप्टिव बैच का कुछ सेटिंग्स वगैरह करवाना है, उसके बाद मंडे से डिस्क्रिप्टिव शुरू हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव मैं ना अभी सबको टाइम दूंगी, लिख लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में सुनाएंगे क्या लिखा है। नथिंग टू लिव फॉर ना, आफ्टर, आफ्टर शी डाइड, शी के मरने के पास ही के पास कुछ भी नहीं बचा जिससे वो सरवाइव कर सके। लिव फॉर थोड़ी है, लिव फॉर तो किसी के लिए जिंदा रहना। अच्छा कहीं ऐसा सोच रहे हैं, आफ्टर शी डाइड
उन्हीं के पास उसके सिवाय जीने के लिए कोई भी नहीं बचा, ऐसा ऐसा थोड़ी है। लिव थ्रू, लिव थ्रू, लिव थ्रू का मतलब सर्विव फ्रॉम नहीं, लिव थ्रू। एक तो लिव बाय भी होता है, सर्वाइव, सर्वाइव। चलो तो 65 तक रहने दो, ओके यहाँ तक रहने देते हैं। और एक बार बता दूँ बैचेस के बारे में, यहाँ तो स्कोर नहीं पूछूंगी, फ्रेजल वर्ब प्रैक्टिस करवा करवा के ही आपको ट्रैक पे ले आना है। बैचेस के बारे में बता देती हूँ, गलत हो गया है, जस्टिन बीबर ने कुछ मैसेज देके हटा दिया, टाइम भी हो गया। सब वही सोच रहे थे। हाँ टेक केयर, ओके। ये सब फ्रेजल वर्ब का बैच शुरू हो गया है, पैराजम्बल का भी शुरू हो गया, डिस्क्रिप्टिव और स्पॉटिंग एरर का शुरू हो रहा है, ये सारे बैचेस है। ओके अनअकैडमी पे सारे बैचेस है, एडमिशन ले सकते हो। और मेरे यूट्यूब पे चले जाना, इंक्वायरी नंबर वगैरह दिया है, यहाँ इंक्वायरी नंबर मैं नहीं शेयर करती हूँ। मेरा यूट्यूब और ये यूट्यूब, यहाँ तो बस एक ही चीज शेयर होता है, रानी 10 कोड। कॉम्बैट टेस्ट भी है, मंडे को संडे के संडे दे देना। ओके घोड़ा राम मूवी है, अच्छा इन डेप्थ वाला बच्चा 41 और 43 पूछ रहा है। शी वॉज कॉल्ड अवे, उसको मीटिंग से बुला कर ले गया गया। 41 कॉल्ड अवे, मीटिंग से बुला कर ले गया गया, ठीक है। और 43, हाँ कॉल इन किया गया है डिफेक्टिव मोबाइल बनाने वाले को। डिफेक्टिव मोबाइल सब कॉल इन करना मतलब पूछताछ के लिए बुलाया गया मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, तो सही है। ओके एंड किया जाए, अब एंड किया जाए। ओके अब नेक्स्ट क्लास, अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास हमारी अब होगी मंडे को, ठीक है। कौन कौन से फ्री क्लास है बता दे रही हूँ, संडे को फ्री क्लास है, सब लोग आ जाना। प्रैक्टिस मत करना, यहीं पे कर लेना। संडे को टेस्ट है और कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे को अनअकैडमी स्पेशल पे 1 से 2 वोकैब की क्लास, ठीक है। और अनअकैडमी यूट्यूब तो फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ओके 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू एवरीवन।